नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं इस वक्त आपके साथ सनम हुसैन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या होगा, आइए देखते हैं मखन कुमार की खास रिपोर्ट। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक युवक ने पीठ पर मारा। ये मामला बख्तियारपुर का है। जब नीतीश कुमार जी माल्यार्पण करने पहुंचे तभी लड़के ने किया अटैक, लेकिन बात हजम नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ, इतनी सुरक्षा के बीच भी बिहार के सीएम सुरक्षित नहीं। वहीं स्वतंत्र मीडिया परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष आफताब रोशन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे टाइट किया जाए और ऐसी लापरवाही सुरक्षा को हटाया जाए। आखिर इतना सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैसे घुसा ये लड़का, आप लोग देखिए इस वीडियो में कैसे इतनी व्यवस्था रहने के बावजूद भी लड़का घुसकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कैसे हाथ चला दिया, आप देख सकते हैं इस वीडियो। बहुत ही अफसोस और निंदनीय बात है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो विकास पुत्र हैं, जो बिहार के इतने अच्छे नेक मुख्यमंत्री हैं, जब वो एक माल्यार्पण करने महापुरुष के पास स्थल के पास जब पहुँचे और इतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, फिर भी उन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए न जाने उस प्रोटोकॉल में एक लड़का घुस जाता है और उन्हें थप्पड़ चला देता है। लेकिन प्रशासन बोल रही है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ज़रा सोचिए, जब 1 किलोमीटर दूर तक माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन लगाई जाती है, फिर सारी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर कैसे इन किया, ये प्रशासन पर सवाल उठती है। ये बहुत बड़ी गंभीर आरोप है कि दिमागी हालत ख़राब है और ये निंदनीय बात है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर मर्डर हो जाता, हत्या हो जाता, उसमें कितने नौजवान भी मारे जाते, ये तो गलीमत कहिए कि उसके पास कोई बम या हथियार नहीं था। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है और ये निंदनीय घटना है। मैं इस पर अफसोस जताता हूँ और मैं पूरे बिहार के वरिष्ठ नेतागण से आग्रह करना चाहता हूँ और प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि वैसे प्रोटोकॉल में रहने वाले व्यवस्था को तुरंत हटाया जाए, वरना नहीं तो हम लोग बिहार के धरोहर को खो देंगे। इसलिए मैं पत्रकार हूँ, इसलिए ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री को जब वो कुर्सी मिल जाती है, चाहे वो आप हो कोई हो, तो उस कुर्सी का इज्जत करना है सबके हक में बराबर है। बिहार के मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है, अगर उस पर कोई भी चला जाए तो उस कुर्सी का गरिमा और उसका सम्मान हम सभी को बनाना है। इसलिए अपने विकासपुर नीतीश कुमार की मैं बातों को रख रहा हूँ और जो सुरक्षा व्यवस्था में जो गार्ड और व्यवस्था थे उनको तुरंत हटाया, तत्कालीन उनको सस्पेंड किया जाए। आखिर ऐसा कैसे हुआ।